का जहां पर महारैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संबोधित कर रहे हैं। ये बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, बुरी सोच गई कि नहीं गई, बुरे हालात बदले कि नहीं बदले। भाइयों बहनों, पिछले एक साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है? जरा ताकत से बोलो, कोई घोटाले की खबर आई है? कोई भाई भतीजेवाद की खबर आई है? कोई रिमोट कंट्रोल की खबर आई है? कोई नेताजी के जामा दामाद का किस्सा सुना है? किसी नेताजी के बेटे का किस्सा सुना है? किसी नेता की बेटे की कहानी सुनी है? भाई बहनों, बुरे दिन गए कि नहीं गए? चोर लूट बंद हुई कि नहीं हुई? लूट 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 का जमाना गया कि नहीं गया? भाई बहनों, मैंने आपको वादा किया, मैंने आपको वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान संतरी बन करके बैठूंगा। मैंने आपको वादा किया था मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान संतरी के नाते बैठूंगा और 125 करोड़ देशवासियों की मालिकी की जो तिजोरी है उस तिजोरी पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? मैंने वादा निभाया कि नहीं निभाया? वादा निभाया कि नहीं निभाया? मैंने चोर लूट के खेल बंद करवाए कि नहीं करवाए? भाइयों बहनों, ये दन्ना सेठों की जेब में बैठे हुए लोग, उन्होंने क्या किया था? कोयले की खदानें, कोयले की खदानें अपने चहेतों को कोड़ी के दाम दे दी थी। लूट लो, लूटो, लूटो, हम भी लूटे, तुम भी लूटो, लूटते रहो, लूटते चलो। यही था कि नहीं था? भाइयों बहनों, पिछले चुनाव का मुद्दा था कोयले का, करीब करीब 2 लाख करोड़ के घोटाले का। एक साल के भीतर भीतर कोयले की खदानों का ऑक्शन किया गया, उसकी नीलामी की गई और अब तक 29 खदानों की नीलामी हुई है। 29, 200 की करनी थी, 29 की हुई है और 29 में करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा होने वाला है। बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? लूटने वालों के दिन खत्म हुए कि नहीं हुए? अपने चहेतों को देश लुटा दिया जाता था, बंद हुआ कि नहीं हुआ? ये पैसा किसके काम आएगा? ये पैसा किसके काम आएगा? हमने एक निर्णय किया कि ये जो पैसा आएगा उसमें से जहां पर मिनरल्स हैं, जहां खदाने हैं, इसका ऑक्शन होगा और कुछ पैसे उसका एक फाउंडेशन बनेगा। ज्यादातर ये कोयला हो, ये मिनरल्स हो, ये आदिवासी क्षेत्रों में है, जंगलों से जुड़ी हुई है। हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया कि कुछ परसेंटेज पैसा उसका उस डिस्ट्रिक्ट का फाउंडेशन बनेगा और उन पैसों का उपयोग वहां के गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा, वहां के गरीब लोगों के लिए खर्च किया जाएगा। भाइयों बहनों, कोयला पहले भी निकलता था लेकिन गरीब की भलाई के लिए कोई काम नहीं होता था, हमने नियम बनाया कि काम होगा। भाइयों बहनों, जब एक बार निर्णय करते हैं कि हमारे देश में
बुरी या बुराइयों से मुक्ति पानी है, बुराइयों से मुक्ति पाने का काम किया है। भाइयों बहनों, कुछ लोग बड़े परेशान हैं, उनको परेशानी इस बात की है कि सब लोगों के तो अच्छे दिन आए, लेकिन कुछ लोगों के बुरे दिन आए हैं, और जिनके बुरे दिन आए हैं उनको जरा परेशानी हो रही है। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि 60 साल तक दिल्ली के राजनीति के गलियारों में उन्हीं की आवाज सुनाई देती थी, उन्हीं के इरादों पर ही देश चलाया जाता था। दिल्ली में पावर सेंटर से ज्यादा पावर सर्कलों की बोलबाला थी, और अभिमन्यु को तो 8 कोठे जीतने पड़े थे, यहां पर तो पावर सर्कल के पता नहीं सैकड़ों सर्कल बने हुए थे। और भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से वो पावर सर्कल के सैकड़ों कोठे ध्वस्त करके आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है, उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है, और इसलिए वो जरा ज्यादा चीख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मैं संतरी मन करके बैठा हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूं। यह देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने जिन बातों को केंद्र में रखा है उन बातों में हमारा प्रयास यही है कि सारे कारनामे देश में, देश इन कारनामों से मुक्ति होनी चाहिए, बुरे दिनों से मुक्ति, बुरे कामों से मुक्ति, बुरे इरादों से मुक्ति, बुरी नीयत से मुक्ति, बुरे कारनामों से मुक्ति। 365 दिन में ये करके दिखाया है, और उसके कारण अगर कुछ लोगों को परेशानी होती है तो वो परेशानी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, ये उनको भी ध्यान रहना चाहिए। भाइयों बहनों, आजकल हम जानते हैं इस देश के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है, बीच में पैसे लूट लिए जाते हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रबंध किया कि दिल्ली से रुपया निकले वो 100 के 100 पैसे गरीब के हाथ में जाने चाहिए, बीच में कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, कोई